दीपा श्रीवास्तव, बच्चों को जनरल बनाना सिखाने जा रहे हैं साइंस का। ये देखिए बायो का जनरल है और ऐसे आपको ड्राइंग बना लेनी है और यहाँ पे नाम, डिवीज़न, रोल नंबर लिखना है। तो ये बायो का जनरल है और ये फिजिक्स का जनरल है। तो बच्चों को आइडिया नहीं होता कि क्या ड्राइंग बनाएं, उनके लिए हम आइडिया दे के बता रहे हैं कि उससे रिलेटेड कोई ड्राइंग आपको ऊपर कवर पेज पर बनानी है। यहाँ पर देखिए हम ये केमिस्ट्री का बनाने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री के बनाने के लिए आपको यहाँ पे हम जैसे इसमें फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं। फैब्रिक कलर काफ़ी अच्छा होता है और ब्राइट आता है, तो हमेशा बच्चों को फैब्रिक कलर यूज़ करना चाहिए। ये पहले हल्की सी ड्राइंग आपको बना लेनी है और कोई एक ड्राइंग अच्छी सी ले लेनी है आपको, जिसको आपको पसंद हो, और फिर आप इसको स्टेप से बनाइए। देखिए हम इसमें येलो कलर डाल रहे हैं। पहले हमने ड्राइंग बना ली है, नीचे थोड़ी जगह छोड़ देंगे ताकि इसमें नाम लिख सके। इस टाइप से इसको स्लीपिंग चीज को स्लीपिंग ब्रश चलाना है। ये पीछे का बैकग्राउंड है मेरा। अभी इस जगह पे हम व्हाइट कलर डाल देते हैं। ये देखिए इस जगह पे ब्रश को हमने वॉश नहीं किया है, सब जगहों पे व्हाइट कलर लगा रहे हैं। स्टैंड जितने स्टैंड इसके हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट में कटिंग करके ना चिपकाएं, आप खुद हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे फर्स्ट पेज पे कटआउट लगा देते हैं, तो कोशिश करिए कि हाथ से बना करके उसको पेंट करके डालिए तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये 8th क्लास का प्रोजेक्ट है जनरल। ऐसे आपको सबको अच्छे से पेंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अच्छे से इसको इसके लिए आप 000 का ब्रश लीजिए, मोटर पे से इसको मत बनाइए। हल्का सा शीशे का लुक लाने के लिए आपको इसमें हल्का सा ब्लैक कलर टच करना पड़ेगा। ब्लैक कलर बहुत हल्का सा आप लेंगे ब्रश में ही, और इस जगह पे जो इस वाला पॉइंट आपका है इसको भी स्टेप कलर कर लेना है आपको।
इसे बनाने में अच्छा पेशेंस चाहिए आपको। आराम से धीमे धीमे बनाए कीजिए सब ड्राइंग। ऐसा कर देना, यहाँ पे ऐसे ये स्टैंड इसका पकड़ने का लगाना है। यहाँ पे आपका ग्रे कलर भी डाल सकते हैं। ये आपका ये वाला स्टैंड वाला जगह बन गया। कलर व्हाइट कलर लेकर इसमें मिक्स कर देंगे तो ये ग्रे कलर बन जाएगा। इस टाइप से तो धीमे धीमे आपको उसको इफेक्ट लाना है। यहाँ पे भी लाइट जल रही है। बार बार ब्रश को वॉश नहीं करना है, हल्का सा ऑरेंज कलर या रेड कलर टच कर लेना है आपको। यहाँ पे भी हल्का सा रेड का स्ट्रोक डाल देना है। रेड कलर भी काफ़ी थिक होता है तो वाटर कलर से अच्छा इफेक्ट इसका आता है और ड्राइंग भी काफ़ी ब्राइट आपकी बनती है। तो जनरल में कोशिश कीजिए आप लोग जनरल या फर्स्ट कवर पेज किसी भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं, टेंथ में भी आपको ऐसे कवर पेज बनाना है तो जिस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको ड्राइंग उसमें डालनी होती है। ये ओवल शेप लेना है, इसमें हल्का सा ब्लैक कलर टच करके ब्रश को जिस डायरेक्शन में बनाया उसी डायरेक्शन में आप चलाएंगे। ये होगा आपका ब्रश। यहाँ पे आप वाइट ज़्यादा कलर्स में नहीं यूज़ करना, साइंस का प्रोजेक्ट है तो ज़्यादा आप मल्टी कलर नहीं बनाना है, एकदम दो तीन कलर का ही यूज करना है। एक बार होने के बाद वापस एक बार ब्रश जरूर चलाइए। जो आपके लाइन्स हैं वो पैचेस ना दिखे। तो आपको बस सूखने के बाद वापस से एक कलर चला दीजिएगा। तो ये जनरल थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे थोड़ी देर।
फिर इसमें आपको जो भी लेबलिंग या कुछ करना है वो आप कर सकते हैं। अभी लाइट ब्लू कलर लेकर के आपको इस जगह पे व्हाइट और लाइट ब्लू का टच देना है। ऐसा डार्क ब्लू भी हम इसमें यूज कर देते हैं ताकि मालूम, क्योंकि दोनों पेपर शीट भी ब्लू है। अब जो केमिस्ट्री लिखा हुआ है वो हम कोई भी मल्टी कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो हम सोचते हैं इसके लिए हम ये जनरल लिखा हुआ है इसको हम डबल लेटर में ब्राइट से लिखेंगे। ये देखिए इधर से, आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं पर हम यहाँ पे डायरेक्ट ब्रश से बना रहे हैं। कलर में हल्का सा ब्रश और अगर बड़ा पहले हल्का सा पेंसिल से लिख लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर भी हल्का सा कर ली। बाद में इसको थोड़ा सा और हम ब्रॉड करेंगे, एक हल्की सी लाइन कर लेते हैं। स्केच पेन से इतना खूबसूरत नहीं आता है, मार्कर से भी इतना बढ़िया इफेक्ट नहीं आता है जितना इफेक्ट आपको कलर से मिलेगा। तो बिल्कुल ब्रश को एकदम आगे से पकड़ना है आपको। ये कैसा हो गया आपका, इधर भी आप हमको हल्का सा ये 8th क्लास का है। जैसे आपने लिखा है वैसे ही डायरेक्शन को ब्रश चलाना है। ब्रश से पहले पानी लेना है फिर कलर लेना है। आप लिखते समय हेल्पलाइन क्लिक करके एक हल्की सी लाइन बना करके एक साइज का बने वैसा भी आप ले सकते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे। ये आपका लिख कर हो गया यहाँ पे। इस जगह पे बच्चे का नाम, ये जो जगह हमने रखी है तो यहाँ पे आप नेम लिख दीजिए। नेम फिर डिवीजन रोल नंबर और स्कूल नेम। ठीक है, ये जगह पर वैसे बना लेंगे
और थोड़ा सा हम सूखने देंगे, उसके बाद इस पर कुछ और वर्क करेंगे जिसको हम साइड में दे रहे हैं। और मेरा जो दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है फिजिक्स, देखिए फिजिक्स का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे भी हम हल्का सा, आप पहले से हल्का कर दिया है, ये ऐसा ले लेना आप। तो फिजिक्स से रिलेटेड आपको ड्राइंग लेनी है इसमें। सब ब्राइट कर देना वापस से। ये सब जो मेरे वो हैं ये सब हम थोड़ा सा और ब्राइट कर दे रहे हैं। तो इसमें फिजिक्स, ये भी अर्थ का ही है, अर्थ का साइंस का प्रोजेक्ट सब है। हल्का रेड का भी इफेक्ट दे दे रहे ताकि थोड़ा सा कलर लगे। ये वेव्स हैं, साउंड की वेव्स जा रही हैं। अभी हम पतले ब्रश से इसको, ये वाला जो जगह है इसको जो हमने ये बनाया है, ये हम साउंड का एक ड्राइंग बना दे रहे हैं। कई सारे आपको टॉपिक्स में ले लेने जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं, आप बुक में इसको खोलिए और जो जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड आप इस पर ड्राइंग बना लीजिए कवर पेज पर। बड़े बच्चे जैसे 6th-7th में आ जाते हैं तो सिंपल फ्लावर वगैरह ये सब ड्राइंग नहीं बनानी है, जो टॉपिक स्कूल में मिला है उससे रिलेटेड उनको ड्राइंग डालनी है। वेट, लाइट और ये टॉपिक हमने ले लिया है। सोच के काफ़ी सोचना पड़ता है कम जगह में कैसे हर चीज़ का इफेक्ट लाएं। ठीक है, यहाँ पे भी हम फिजिक्स जर्नल लिख दे रहे हैं। कलर लेकर पानी नहीं लेना आपको, पहले पानी लेना है ब्रश में, जैसे ड्राई होता है हम देखिए तुरंत कलर लेते हैं, ड्राई में ब्रश को नहीं चलाना है। फिर आपको 2022 जो पहले वाले पे लिखा था सेम उसको भी यहाँ पे भी
स्टेप्स आपका ये हो जाएगा जनरल। आपको जहाँ जहाँ और ठीक करना होगा आप कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे का प्रोजेक्ट है, तो ऐसा लगना चाहिए कि ये बच्चों ने बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स का जनरल। अब इसमें भी हम कुछ काम बाद में करेंगे। अब ये है बायो का, ये देखिए बायो का जनरल है। इसमें मुझे थोड़ा सा इसको कलरफुल करना है। मुझे ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है सूखने के बाद आप इसको इरेज कर सकते हैं। इरेजर लेकर जो ये मेरे पेंसिल दिख रहे हैं, कलर करने के बाद हम इसको इरेज कर सकते हैं। ये देखिए हल्के से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे हल्का सा ये सब कलर डाल दे रहे हैं। जरा सा येलो कलर ले लेना है। तो ज़्यादा इसमें कलर की नहीं कर रहे हैं, हल्का सा ब्लैक एंड व्हाइट का टच लिए हैं। तो ये बायो का हो गया, मैथ सारे साइंस के पार्ट उसके हो गए इसमें। इस टाइप से आपको ये ड्राइंग जनरल करना है। ये हो गया हल्का सा, हम यहाँ पे हल्का सा स्किन कलर डाल दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्लैक कलर इसको करेंगे। ये देखिए आपका येलो पोर्शन हो गया। ये सीड है तो सीड में थोड़ा ब्राउन का टच कर देते हैं। बायो से रिलेटेड इसमें ड्राइंग लेनी है। सही हो गया आपका। इसमें भी आप येलो कलर अच्छे से डाल देंगे नर्व्स आपकी।
देंगे ब्लैक कलर लेकर के हमको वन साइड में। इधर क्योंकि आपको आउटलाइन कर देनी है, ठीक है? काफी नहीं कर दिया। ड्राइंग आप लोग बच्चों को जरूर सिखाइए, ये साइंस में भी बहुत काम आता है, बायोलॉजी में भी, सब में ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो आप ड्राइंग के थ्रू, ऐसा नहीं आपको आर्टिस्ट ही बनना है, आप ड्राइंग से आप बहुत सारे वर्क करना होता है, सब चीज़ ड्राइंग के थ्रू ही समझाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ बच्चों को, क्योंकि मेरे पास कई बच्चे आते हैं बॉय जो बोलते हैं मुझे आर्टिस्ट नहीं बनना है, आर्टिस्ट बनने के लिए ड्राइंग जरूरी नहीं है, आपको साइंस में ड्राइंग बनानी पड़ती है, काफ़ी सब सब्जेक्ट में ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो आप ये सब चीज़ को खुद से ड्रॉ कर सकते हैं और आपको कोई चीज़ जल्दी समझ में आने लगती है। यहाँ पे हमने ब्लैक कलर कर दे रहे हैं इसके, ब्लैक एंड ब्राउन लेकर के। इसलिए बच्चों को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को ड्राइंग में डालें, उनको 3D मॉडल समझ में आता है, उनको 3D ड्राइंग समझ में आने लगती है, वरना वो 3D समझ नहीं पाते, इंजीनियरिंग कॉलेज में आते 3D कैसे बने, ये सब उनको ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप उनको ड्राइंग में जरूर डालिए। अभी हमने ड्राइंग से किया है तो, लेकिन हम साइंस का ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने ड्राइंग भी कर रहे हैं और जो कुछ मॉडल आता है वो भी हम ड्रॉ कर पाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग के लिए आर्टिस्ट ही आपको बनना है ये, और ड्राइंग अब तो आजकल एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया है। इस टाइप से आप इसको पूरा, आप चाहिएगा तो बच्चे ब्लैक स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। अभी ये मेरा ये हो गया ड्राइंग, यहाँ पे जो क्रैक्स दिखा दे रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी में ब्लैक से लिखते हैं, ये देखिए फैब्रिक कलर को कभी खुला नहीं छोड़ना वरना वो सूख जाते हैं, उसको यूज़ करें मत, तुरंत बंद कर दीजिए। अलग से मीडियम भी आता है, मीडियम डाल के उसको आप पैक कर दीजिए।
अब इसको भी हम सूखने लिए थोड़ा देर रख देंगे, ठीक है। और जो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट था, ये थोड़ा सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन से लाइन खींच देंगे। बहुत येलो कलर काफ़ी लाइट लग रहा है, इसको ब्राइट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये ग्रीन कलर डालना पड़ेगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट काफ़ी खूबसूरत लगे। इधर से हो गया और सेम ऐसे हम इधर से दो तरफ हम बॉर्डर बनाएंगे, चारों तरफ नहीं बनाएंगे इसके। अगर चारों तरफ को बनाना होता तो चारों तरफ प्लेस छोड़ते हैं, हमने प्लेस ही छोड़ा है। आपका ये हो जाएगा, तो ये वाला कंप्लीट हो गया मेरा जनरल। ये देखिए कंप्लीट कर दिया हमने, जो फिनिशिंग टच देना वो हम इरेज कर देंगे। अभी इसमें जो है इसमें थोड़ा हम ब्लू कलर ले लेंगे, ऐसे तरह से हो गया मेरा। यहाँ से भी हम इसे दो लाइन खींच देंगे, इसको यहाँ से भी हम थोड़ा खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे भी लाइन कर दे रहे हैं ब्लू से।
एक साइड हम ऐसे लगाते जाएंगे तो खूबसूरत लगेगा। ठीक है, देखिए ऐसे जनरल कंप्लीट हो गया आपका। इधर भी हम कर दे रहे इसमें। तो इस टाइप से ये डेकोरेट अगर हो गया आपका। इसमें हम इस तरफ लाइन कर दे रहे हैं इस तरफ, ये देखिए। इस टाइप से आप अपने इसको ये आपका जनरल रेडी हो गया है। ठीक है, जहाँ पर हल्का लग रहा है तो आप इसको और भी ब्राइट कर लीजिए। ठीक है, अभी जनरल आपका रेडी हो गया है, देख लीजिए आप अच्छे से। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको ये शेयर कीजिए ताकि वो ऐसा प्रोजेक्ट अपना रेडी करें। ये देखिए इसका हो गया फिजिक्स का, फिजिक्स का प्रोजेक्ट हो गया, और ये केमिस्ट्री हो गई। इसको आप और भी चेक करने के लिए यहाँ से भी हम एक लाइन खींच देंगे, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।